नमस्कार दोस्तों, हमने आज ई रिक्शा खोली है मोरनी, ये मोरनी कंपनी की है। इसके चक्कर आगे वाले बिल्कुल जाम हो चुके थे और अब हम इसको रिपेयर करेंगे। इसकी राड वगैरह दागी है और आपको दिखाते हैं, इसमें डबल सील करेंगे और आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये हमने ई रिक्शा के चक्कर खोली है, इसमें ऑयल वगैरह तो निकला नहीं है, खाली है, इसलिए तो जाम हो गए थे। इसकी राड वगैरह भी कटी हुई है, इसमें इसलिए डबल सील करेंगे और आपको तैयार करके दिखाते हैं। मैं वीडियो पूरी इसलिए दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ होता है और दूसरे हाथ से मैंने काम भी करना होता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी अंदर से आपको वीडियो दिखाता रहता हूँ ताकि आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। और मेरी वीडियो देखते रहिए, आगे मैं आपको इसको तैयार करके दिखाऊँगा। और मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे नई वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ दोस्तों। दोस्तों इसमें जो यह कंपनी है या चाइनीज़ की है ना, ये इसमें एक ही सील देती है, ये ऊपर इसके ऊपर कैप लगी होती है, सील इसके अंदर होती है। ये देखिए एक कैप हमने उठाई और ये देखो इसमें एक सील लगी हुई है। इसकी रॉड वगैरह देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्क्रैच हुई हुई है, अंदर से देखिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है राडें दोनों, ये देखिए। इसलिए हम इसमें डबल सील करते हैं क्योंकि राड तो इसकी मिलती नहीं है, इसको रेग मार्क कर और इसमें डबल सील करेंगे। ये जो कैप है इसकी जगह दूसरी सील आ जाएगी, एक इसके नीचे आ जाएगी, एक इसके ऊपर आ जाएगी। इसमें हम डबल सील कर देते हैं ताकि चोकर जल्दी लीक ना हो। तो आपको सील भी दिखाते हैं जो हम इसमें डालते हैं सील, हम इसमें ये सीले लगाते हैं, ये स्पेशल इसकी ई रिक्शा की आती है जी, ये लिखा हुआ है जी ई रिक्शा, ठीक है। इसके अंदर से हम आपको सील निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों इसकी सील जो इसमें डालेंगे, दो डबल करेंगे, एक इसके नीचे डालेंगे और दूसरी सील इसकी, ये कैप नहीं लगाएंगे, इसकी जगह भी सील कर देंगे, दोनों सील हो जाएगी। इसकी राड वगैरह साफ़ कर फिर इसको तैयार करेंगे, इसमें ऑयल वगैरह डालेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा ऑयल डालेंगे ताकि ये जल्दी सी लीक ना करें। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको चोकर तैयार कर फिर दिखाता हूँ पूरी वीडियो। देखते रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे चैनल पर। दोस्तों एक सील लगा दी है, ये अब दूसरी सील लगेगी इसके ऊपर, एक सील लग गई है, अंदर ही चली, नीचे तक है, वैसे तो दिखाई तो दे रही है, ये देखो यहाँ से दिखाई दे रही है ना, अंदर तक है, ऐसे लग जाएगी इसके ऊपर, ये यहाँ तक आ जाएगी दूसरी सील भी, जहाँ वो कैप लगती है ना वहाँ तक आ जाएगी, जो पहले कैप लगी थी ये वाली, इसकी जगह पर सील दूसरी भी लग गई। ये अब इसमें अभी लगाएंगे, एक सील लगा दी है पहले, अब दूसरी सील लगाएंगे इसके अंदर, दूसरी सील लगेगी इसके अंदर ताकि ये ऊपर आ जाएगी, फिर यहाँ से लगाएंगे। आपको अभी दिखाते हैं लगा कर। दोस्तों ये दूसरी सील भी लग गई है इसके अंदर, दोनों के अंदर डबल सील है। अब इसमें ऑयल वगैरह डालेंगे, ग्रीस थोड़ा बहुत डालेंगे और फिर इसको तैयार कर फिर आपको दिखाते हैं फिटिंग कर पूरे चोकर गाड़ी के अंदर, फिटिंग करने के बाद में ही दिखाएंगे आपको। दोस्तों हमारे चोकर तैयार हो गए हैं, अभी गाड़ी में फिटिंग करेंगे और उसके बाद में देखेंगे। ये पहले चोकर जाम थे, बिल्कुल सूखे पड़े थे, इसमें ना मुगलायल ना कुछ ग्रीस, बिल्कुल जाम थे। अब फिटिंग कर अब आपको दिखाते हैं, वैसे तो अभी पता लग जाएगा, ये देखो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल काम कर रहे हैं सही। अभी फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों अपनी गाड़ी तैयार हो चुकी है, अब इसको चेक करते हैं, आपको चेक करके दिखाते हैं, देख अभी दिखाते हैं।